नमस्कार इंडिया, स्वागत है वीरेखने बढ़िया। दिल्ली के मुख्यमंत्री झूठ बोलना जानते हैं। जयराम सिंह ग्राम प्रधान आम घाट, उत्तर प्रदेश बलिया जिले में जयराम सिंह ग्राम प्रधान आम घाट। अपने आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि दिल्ली में कानून के रखवाले की तरफ से पुलिस के साथ जो अत्याचार किया गया वह अत्यंत निंदनीय है। हम ऐसे कार्य की निंदा करते हैं। वकीलों का अत्याचार बढ़ता जा रहे दिल्ली कांड को केंद्र सरकार जांच कराए। दोषियों कौन है इस पर कार्रवाई करे। हम आपका एक परिचय जानना चाहते हैं। मैं जयराम सिंह, हम जयराम सिंह। अपना एक परिचय बताइए। मैं जयराम सिंह ग्राम पंचायत आम घाट का प्रधान हूँ जी। आज प्रेस वार्ता किस मामले में किया गया है, क्या जान क्या है आज प्रेस वार्ता आप किए हैं? प्रेस वार्ता वही दिल्ली में जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? समाज के लिए, देश के लिए घातक है। क्या चीज थोड़ा विस्तार रूप से बताइए। दिल्ली के 30,000 कोर्ट में पार्किंग को लेकर के जिस तरह से वकील और अधिवक्ता और पुलिस में झड़प हुई वो अच्छा नहीं लगा। अधिवक्ता समाज का उत्कृष्ट वर्ग है और जिस तरह से उन लोगों ने घिनौना कार्य किया उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। किसी को कोई कष्ट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो पुलिस के पास जाती है। हमें देखने से ये लगा कि जब पुलिस ही पीटने लगे और कुछ कर ना पावे तो फिर समाज के लोग कहाँ जाएंगे और समाज की रक्षा कौन करेगा? पुलिस अत्याचार करती है तो उसका हम विरोध करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं। लेकिन ये कचहरी के अंतर्गत जो अधिवक्ता लोग कहीं भी हम देखने में आ रहा है कि ये लोग उपद्रव करने लगते हैं, ये बहुत निंदनीय और समाज के लिए और देश के लिए घातक। आप क्या क्या आप इसका विरोध कर रहे हैं? हम इसका विरोध कर रहे हैं, इसकी निंदा कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? वो वोट के लिए पहुंच गए अधिवक्ता लोगों पर, अच्छी बात है। अधिवक्ता को चोट लगने के वक्त ये पहुंचे तो क्या इनको पुलिस को जो चोट लगी है पुलिस हॉस्पिटल में भर्ती है उनके यहाँ नहीं जानी चाहिए? जो कुछ हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, इसके हम घोषणा निंदा। मतलब केजरीवाल जी जो किए हैं वो एक तरफा किए हैं, दोनों पक्ष किए हैं। केजरीवाल उसी टाइप का ही है, वो बहुत गंदा आदमी। केजरीवाल जो किए वो बहुत गंदा है, दोनों पक्ष में जाना चाहिए। या किसी भी नेता और समाज के उत्कृष्ट वर्ग को इस पर विचार करना चाहिए, दोनों पक्ष को बैठा करके बात करनी चाहिए। वकील अलग हड़ताल करने लगे, पुलिस अलग हड़ताल करने लगे तो दोनों के बीच में तो जनता पीसी जाएगी। कभी कुछ हो रहा है तो फिर तो जनता के ऊपर ही आ रहा है, इसको मैं पसंद नहीं करता। आपकी मान से क्या चाहते हैं आप? एक आप नागरिक होने के नाते आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ दिल्ली में जो कुछ हुआ उसकी जांच करा करके और दोनों वर्ग के, दोनों पक्ष के जो भी गुनाहगार लोग हैं उन्हें सजा दी जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। सरकार से आइंदे से फिर ऐसा कार्य न हो। आप सरकार से ही मांग करते हैं? हम सरकार से मांग, इस पर विधिवत जांच कराई जाए और जो भी इसमें पकड़े जाएं, जिसके ऊपर चार्ज बनता है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उनके सजा दी जाए। जी आप तक केजरीवाल के कार्यकाल को भी आप दोषी मानते हो, ठीक से कार्य नहीं कर रहे दिल्ली में? नहीं, केजरीवाल का कार्यकाल को मैं अच्छा नहीं मानता, ये बहुत बड़ा झूठ बोलने वाला आदमी है। ये कहता कुछ है और करता कुछ है, मतलब इनके झूठा साबित करना चाहते हैं। हाँ हाँ, और जनता ने उसको जवाब लोकसभा चुनाव में दी है। केजरीवाल का बर्ताव अच्छा, वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। सेंट्रल हो, सेंट्रल भी वही है तो सेंट्रल हो या प्राविंस हो, दोनों को चाहिए कि इन दोनों पक्ष को बुला करके बैठाएं, सुलझाएं ताकि इसका कोई बिगड़ा हुआ रूप जो दिखाई दे रहा है ये ना हो।